दुर्ग में होम लोन कॉरपोरेशन के नाम से सैकड़ों महिलाओं के साथ ठगी कर संचालक हुआ फरार। मौके पर पहुंची आक्रोशित महिलाओं ने ऑफिस का ताला तोड़कर सामानों को उठा ले जाने लगे। दुर्ग के स्थानीय मोतीपारा वार्ड में होम ग्रोन कॉरपोरेशन में शहरी नहीं गांव की महिलाओं ने पैसा बढ़ने की गरज से अपना नाम पंजीयन कराया, जिसमें प्रत्येक महिला से 2500 रुपए जमा करा 3500 रुपए दिए जाने का झांसा दिया गया और साथ ही काली मोटी गुथ कर लाने बोला जाता था। इसी कड़ी में सैकड़ों की संख्या में अपनी रकम वापस लेने पहुंची महिलाओं ने जहां ताला देखा तो अपना आक्रोश जताया और यही नहीं ऑफिस में रखे सामानों को जब्त बनाकर अपने साथ ले जाने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाकर मामला शांत कराया। इस संबंध में पीड़िता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक, शहर में सबसे बड़ा छलावा किए हैं। ये गरीब परिवारों को होम ग्रोन कॉरपोरेशन के नाम से एक संस्था खोली गई थी यहाँ पर, और हर गरीबों को ये कहा गया था कि आप 2500 रुपए लाइए, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोती और उसका तार देंगे, आप घर में बैठ के इनको हार माला बनाइए और हमसे अपना पैसा कमाइए। इस तरीके से हजारों लोगों को दुर्ग शहर में इन्होंने करोड़ों की धांधली करके ये व्यक्ति यहाँ फरार हो गया है। और ये देखिए पूरा मजमा लगा हुआ है, इसमें टोटल पीड़ित गरीब परिवार के जो लोग जो दो दो पैसे के लालच में कि चलिए हमें घर बैठे रोजगार मिल रहा है उसके माध्यम से यहाँ किए हैं। ये आज एक बहुत बड़ा कांड दुर्ग शहर में हुआ है, इसके लिए जिला प्रशासन तत्काल एक्शन ले और इस व्यक्ति को ढूंढकर गरीबों का एक एक पाई पाई वापस लौटाने की कृपा करेंगे, मैं निवेदन करता हूँ। ठीक, किस नाम से लिया था? क्या मोती को क्या करना पड़ता था? ठीक, ऐसा दिया कि गृहणियों के लिए एक योजना लाई मोती माला बनाना है करके, और 15 दिन में 350 रुपये उनको देंगे करके, तो 2500 रुपये जमा करवा रहे थे वे लोग होम ग्रो कॉरपोरेशन कंपनी करके एक आई है अभी, जिसको निगम ने गुमास्ता लाइसेंस भी प्रदान किया है। कहीं ना कहीं निगम भी संलिप्त है इस घोटाले में। करीब 9000 लोगों ने 2500 रुपये करके जमा किया है। और आज कहां पर ये स्थिति ऐसा कैसे बनी? आज ऐसा हुआ कि मेरी श्रीमती जी ने भी जमा किए थे 2500 रुपए, तो मुझे बोले 10 बजे वहां से मोती लेके आना है करके, तो मैं उनको साथ में लेके आया। ऑफिस आज खुला ही नहीं और करीब 1500-2000 लोग इकट्ठे हो गए थे जिन्होंने पैसे जमा किए हैं, और ये ऑफिस आज खुला ही नहीं। इनके कर्मचारी भी आज वहाँ थाने में बैठे हुए, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है, और ये बहुत बड़ा घोटाला है दुर्ग जिले में। ठीक, ब्रांड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।